नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में राजनीतिक दलों में हावी है आज भी वंशवाद की परंपरा। जी हां, वंशवाद से दूर रहने का दावा करने वाले राजनीतिक दल वंशवाद की बेल को सींचते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पहली बार चार राजनीतिक परिवारों के बेटे पोते चुनाव मैदान में उतरे हैं। हर राजनीतिक दल अपने बेटे बेटी पोते पोतियों को और उनके सहारे राजनीतिक सफर को जारी रखना चाहते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी वंशवाद को लेकर के कांग्रेस पर हमेशा हमलावर रही है और इसी के चलते देश को कांग्रेस से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पर हरियाणा में वंशवाद की परिभाषा ही बदल डाली। वंशवाद की राजनीति के लांछन से बचने के लिए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने मंत्री पद छोड़ने को कहा और मंत्री ने त्याग पत्र भी भेज दिया। इसके बाद ही भाजपा ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से चुनाव मैदान में उतारा है। विजेंद्र सिंह आईएएस है और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए वीआरएस लेना पड़ा। वहीं वीरेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं और पत्नी प्रेमलता उकलाना से विधायक भी हैं और बेटा हिसार लोकसभा सीट से उम्मीदवार बन चुके हैं। अब यह परिवार भी वंशवाद की बेल को सींचने में लगा है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से चुनाव लड़ रहे हैं। वे रोहतक से तीन बार सांसद रह चुके हैं। दीपेंद्र के दादा चौधरी रणवीर सिंह भी मंत्री रहे। कांग्रेस एक परिवार से ही एक व्यक्ति को टिकट देने का दावा कर रही थी, पर कांग्रेस ने किया उलट। दीपेंद्र के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया, जबकि परिवार के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा के पक्ष में थे, पर हाईकमान इस पर नहीं माना। चौधरी बंसीलाल के परिवार के लोग राजनीति में बने हुए हैं। वंशवाद की बेल यहां भी कायम है। बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को कांग्रेस ने भिवानी के चुनाव मैदान से उतारा है, जबकि मां किरण चौधरी विधायक हैं। जब एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्य एक साथ चुनाव मैदान में होते हैं तो उसे वंशवाद ही कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई कांग्रेस की टिकट पर हिसार सीट से अपनी इस बार चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट से कुलदीप बिश्नोई पहले सांसद रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई और उनकी पत्नी रेणुका चौधरी विधायक हैं। पार्टी कुलदीप बिश्नोई को उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए टिकट मांग रहे थे। वहीं एक और जेजेपी की ओर से अजय सिंह चौटाला ने दोनों बेटों को चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं और उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। दिग्विजय सिंह चौटाला को सोनीपत से चुनाव लड़ा रहे हैं तो दुष्यंत चौटाला हिसार से चुनाव मैदान में हैं। वहीं एक और इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते हैं कुरुक्षेत्र से चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार चुनाव मैदान में युवा राजनीति की पहली जंग के लिए मैदान में उतरे हैं। चौधरी देवीलाल ने राजनीति में तो जो फसल तैयार की थी उसे आज तक काटने में लगी हुई है, लेकिन इस बार चौधरी देवीलाल परिवार के लिए यह राह आसान नहीं है। कुनबे की लड़ाई से इस परिवार की राजनीति की ताकत बिखर चुकी है, जिसकी वजह से जेजेपी शिशु अवस्था में है। हालांकि ये सब नए चेहरे हैं। वंशवाद की राजनीति तो पहले भी होती आई है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि वोटर वंशवाद की राजनीति को कितना सपोर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।